असलामुअलैकुम, शहजाद टेक में आप सबको वेलकम कहता हूँ। तो आज मैं WhatsApp की दो मेजर अपडेट्स के हवाले से बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे WhatsApp की तरफ से इशू किया गया है कि WhatsApp के काफ़ी सारे मोबाइल्स के अंदर वर्क करना छोड़ देगा 31 जनवरी के बाद। उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं उस हवाले से भी बात करूँगा और WhatsApp डार्क मोड के हवाले से बात करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बाद में मिल सकें। तो दोस्तों, WhatsApp ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि पुराने मोबाइल्स के अंदर जिनके वर्जन्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और वो अपडेट भी नहीं हो रहे, वहाँ पे हम WhatsApp को बंद करने जा रहे हैं। WhatsApp वहाँ पे वर्क करना छोड़ देगा, बिल्कुल ही वहाँ पे आप WhatsApp को यूज़ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि नोकिया के सैम्बियंस मोबाइल्स के अंदर WhatsApp वर्क करना छोड़ गया था। तो यहाँ पे iOS की डिवाइसेज और एंड्रॉयड की डिवाइसेज के हवाले से लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आखिर तक आप क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी डिवाइसेज के अंदर WhatsApp वर्क करना छोड़ देगा। यहाँ पे iOS 8 और इससे कम वर्जन वाली जो डिवाइसेज हैं, iOS 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे फरवरी 1 के बाद जो है WhatsApp वर्क करना छोड़ देगा। अब यहाँ पे आगे जाके मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन कौन से मोबाइल जो हैं इसके साथ अटैच होने वाले हैं। तो इन डिवाइसेज के अंदर आप दोबारा से WhatsApp इंस्टॉल भी नहीं कर सकेंगे और न्यू अकाउंट भी नहीं बना सकेंगे और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होंगे वो भी यहाँ पे वर्क करना छोड़ देंगे। एंड्रॉयड की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का वर्जन 2.3.7 से पहले वाले जो वर्जन से वहाँ पे फरवरी 1, 2020 को WhatsApp वर्क करना छोड़ देगा। iOS 8 और इससे पहले वाली तमाम डिवाइसेज जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, WhatsApp वर्क करना छोड़ देगा। यहाँ पे चैट हिस्ट्री को भी आप शेयर नहीं कर सकेंगे किसी और मोबाइल के अंदर और पहले से ही ये WhatsApp ने हमें बता दिया है। यहाँ पे Facebook के अंदर भी काफी सारी इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं, तो उसके वाले से जो भी न्यूज होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके अलावा यहाँ पे 31 जनवरी के बाद WhatsApp वर्क करना क्यों छोड़ देगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इसकी जो है डेवलपिंग नहीं हो रही, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको मैच नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से यहाँ पे बता दिया गया क्लियर, iOS 9 उसके बाद वाली जो डिवाइसेज होंगी उसके अंदर WhatsApp वर्क करता रहेगा, यानी कि जो लेटेस्ट मोबाइल्स हो जाते हैं। यहाँ पे एप्पल की कुछ डिवाइसेज हैं, एप्पल आईफोन 6, 6 प्लस, ये iOS 9 पे अपडेट हो सकती हैं, तो इसके अंदर जो है WhatsApp चल सकेगा। आईफोन 5, 5S, 5C iOS 9 के साथ ये सपोर्ट करेगा। आईफोन 4S के अंदर भी अगर iOS 9 सपोर्ट करती होगी तो WhatsApp भी सपोर्ट करेगा। आईफोन 4 और इस तरह की जो ओल्डर डिवाइसेज हैं वहाँ पे WhatsApp की सहूलत जो है डिस्कनेक्ट की जा रही है। एंड्रॉयड का जो आइसक्रीम सैंडविच वर्जन था 4.0.3, वहाँ तक जो है WhatsApp सपोर्ट करेगा। उससे कम वाली जो डिवाइसेज होंगी एंड्रॉयड 2.3.7 गिंगर ब्रेड, इससे जो पहले वाली डिवाइसेज हैं उनके अंदर WhatsApp सपोर्ट करना बंद कर देगा। यहाँ पे WhatsApp की तरफ से बता दिया गया है कि यहाँ पे WhatsApp की तरफ से डार्क मोड बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको एड्स का जो है कंसेप्ट भी दिया जाएगा। WhatsApp के अंदर आपको एड्स भी देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि WhatsApp के अंदर एड्स होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।